तो हे गाइस, वेलकम टू यू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राम राम। आई होप तुम सारे चंगे होंगे, आप भी चंगे। तो सो गाइस, हमारा ब्लॉग इसलिए इतने दिन नहीं आया क्योंकि हम हरिद्वार से आए थे तो सभी बीमार हो गए थे, आपको भी पता। उसके बाद भी वीडियो एक तो बनाए हैं, मतलब अच्छे से ठीक नहीं थे, पर आज अब हम सभी अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। आई होप आप भी सभी तंदुरुस्त होंगे। तो सो गाइस, आज का ब्लॉग बनाने का मतलब ये है, हमारा ईशान, आज हमारा ईशान मांग रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? तो सो गाइस, ये नाइकी के शूज मांग रहा है। अब इसको ये नहीं पता, इसके बाप ने अभी तक नाइकी के शूज नहीं डाले और ये शूज मांग रहा है नाइकी के। तो देखते हैं सो गाइस, इसको दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते हैं। तो सो गाइस, हमने ब्लॉग इसलिए नहीं इतने दिन बनाया क्योंकि हमारा जाने का विचार था हिमाचल या पहाड़ों में कहीं भी, और हम जा नहीं पाए और खुद भी नहीं गए क्योंकि वहां पर डेली हादसे हो रहे हैं, कोई ना कोई, कभी कोई हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, कभी पहाड़ गिर रहे हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी कुछ आ रहा, तो इसलिए हम गए नहीं वहाँ पर, हमने कैंसिल कर दिया वहाँ पर जाना। तो गाइस, सर्दियों में देखेंगे अगर जाएंगे तो। सो गाइस, देखते हैं इसको शूज दिलाते हैं या नहीं दिलवाते। और ये हमारी श्रीमती जी ने भी कुछ काम करवाना आज, तो बच्चों वाली ड्रेस डाल ली है इसने। आपने क्या करवाना आज? कटिंग करानी है, कलर करवाना है। इसने कलर करवाना है, ये बोल रही है मेरे को बाल एक्सटेंशन करवाने हैं, पर वो यहाँ पर होते नहीं है, वो दिल्ली में होते हैं, इसलिए हमने कहा तो कलर ही करवा ले। तो अभी वो आएंगे घर पर, मैं घर पर ही करवाऊंगी, तो ये घर पर ही करवाएगी। हम कहीं पार्लर वगैरह भी नहीं जा रहे, कोरोना की पालना कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाएंगे, पर उनको बुलाकर घर पर करवा लेंगे। सो गाइस, हमारे प्रणव की भी नीयत बदल गई है, प्रणव कितने भी शूज ले लिए। हैं बेटा, कौन से पसंद है? ये वाले देख ले अब। हैं तो सो गाइस, निशा हमने भी चलती गंगा में हाथ धो लिए आज। सो गाइस, हम तीनों बाप बेटे शूज ले आए हैं और अच्छे लगे मेरे को शूज, मैंने भी ले लिया, मेरे पास व्हाइट शूज नहीं था, मैं भी लिया। रनक भी सुंदर है ना, लाइट वेट है ना, इसमें ना दिस वॉर दैट वी बीन फाइटिंग आउट कैन बी। ये देखना ड्रामा जरा इनका, ये देखो अंदर से लिफाफा उठा के लाया, इसको खाएगा, इसको खाएगा ये। अभी वो इससे छीनेगा, ये उससे छीनेगा। तो सो गाइस, आज ईशान के साथ हादसा हो गया, ये देखो प्रणव गेम खेल रहा है, बस इनको गेमों का पड़ा, उसने लैपटॉप उठा लिया, लैपटॉप हाँ, ईशान अपना पासवर्ड लगा कर भूल गया। सो गाइस, अब क्या होएगा? और एक तो पासवर्ड लगाकर भूल गया अपने फोन का, अब पता नहीं लोग उसका कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा। और ये देखो आगे से गेमर बना होगा, और ये टांग पे चोट लगवा गया, ये देखो पता कैसे लगी? हाँ कैसे लगी? पापा को घुमा रहा था और हम भागने लग पड़े, इसका जो पट्टा होता ना वो मेरे पैर में अड़ गया, मेरे पापा ने गिरा दिया मेरे को। और मोबाइल के पासवर्ड का क्या हुआ? वो ये ना पता है, मुझे पता है कि 10900 था, ये खोल दे रहा। अब क्या करेगा? मेरा फिंगरप्रिंट मैंने कहा, फिर अब कैसे खोलेगा? मेरा दोस्त खोलता था 300 रुपए में। 300 रुपए में कौन खोलेगा? तो सो गाइस, ये देखो, एक तो मोबाइल पे पासवर्ड लगा के भूल गया,
अब इसने लैपटॉप पकड़ लिया, लैपटॉप में गेम डाउनलोड करके बस इसी में खेलता रहता है। सो गाइस अभी हम इनको स्कूल नहीं भेज रहे, स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हमें डर है अभी, क्योंकि तीसरी वेव का बोल रहे हैं, तो ये घर पे भी कुछ नहीं करते, बस गेम ही गेम ही गेम ही, बस ट्यूशन जाना जो जाना बस इन्होंने, और ट्यूशन के बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद सारा दिन गेम गेम गेम। कौन सी क्लास लगाई थी? कल। आज आज छुट्टी थी? और रात को 2:30-3 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, तब तक क्लासें खत्म हो जाती हैं। और तूने लगाई आज क्लास? कब लगाई है? So guys, ये आ गया हमारा ईशान लंगड़ा के, ये देख लो हमारा प्रणव ऊपर आकर भी, बेड पे आकर भी गेम खेल रहा है। तो guys इनकी देखो, इनकी तो सुबह शाम ऐसे ही रहती है, मस्ती मस्ती मस्ती, अब फिर शुरू हो गए हैं। कोको ले ले बेटा, कोको इधर इधर अच्छा। This war that we've been fighting out can't be won. मोटे, so guys इसका नाम है कोको, पर हम इसको प्यार से बोलते हैं मोटे। क्यों मोटे? मोटे? ये देखो। मोटे? क्योंकि मोटे के जैसा। ये देखो। ये मोटे मोटे क्या कर रहा है? ये देखो। इसकी टी-शर्ट पर खींच रहा। शान की टांग दुख रही है, शान तब भी शरारतों में लगा हुआ। Hello. Are you there? Maybe we could work something out. We could just figure out where all of this comes. ये क्या कर रहे हो? ये मैं कर रहा हूँ। चक्कर आता है यार। मैंने ना flying beast का ना vlog देखा था आज। तो उसने बताया कि अपने इंडिया में या अपने पूरे वर्ल्ड में ना 70% लोग जो मोबाइल ऐसे देखते हैं ना, तो उसके कारण हमारी जो गर्दन है ना, वो 1.5 इंच ना, मतलब स्पाइन अपनी वो ऐसे ऐसे हो गई है सभी की, 70% लोगों की मतलब स्पाइन ऐसे टेढ़ी हो गई है, ऐसे आगे की बोल रहे थे। उनका फिटनेस का चैनल भी है ना, वो बोल रहे थे कि जैसे आप सोते समय या उठते समय 2-3 मिनट के लिए अपनी गर्दन को ऐसे रखो, तो उससे आपकी काफ़ी हद तक ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपनी गर्दन के लिए, क्योंकि हम भी मोबाइल ऐसे देखते हैं ना, सभी को करनी चाहिए, तुम्हें भी करनी चाहिए। ईशान को वो भी लग गया। ईशान भी करने लग गया। ईशान भी ज्यादा फोन देखता है ना, सिर्फ 2-3 मिनट करने की जरूरत है, उससे भी जो आपकी वो बोल रहे हैं जो आपकी स्पाइन में हुआ होगा वो धीरे धीरे वापिस आ जाएगा। सो उठते समय और सोते समय ये तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई, ये तुम्हें भी करनी चाहिए और आप लोगों को भी करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को पता नहीं है पर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है मोबाइल की वजह से, पर हमें हम लोगों को पता नहीं लगता। तो भाई इसलिए कि ये मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, ये काफ़ी देर से आ रही है, मैं गौर नहीं कर रहा था पर निशा ने गौर किया, मेरी ना करना शुरू किया, और आज मैं यूट्यूब पर इसका सर्च कर रहा था, इसको पाकिस्तान मतलब ये कोई मेंटल का डिसऑर्डर होता है, तो किसी ब्यूरो वाले को दिखाऊंगा ना, ये मतलब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हमें नहीं पता लगती है, होती तो मोबाइल से ही है ना सभी, तो हमें शरीर को पढ़ के रखना चाहिए और मोबाइल भी देखना चाहिए हमारे ग्रोथ के लिए, मोबाइल भी देख लो हमारे क्या सभी के देखो, जो मेहनत करते हैं सभी को देखो, अप्रिशिएट किया करो लोगों को। तो सो गाइस ये लड़ते रहेंगे, ये ईशान और प्रणव ये देखो ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज शुरू हो गई इनकी और इधर इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो सो गाइस तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, कल देखते हैं, कल परसों जब भी मिलते हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। ओके टाटा बाय।